श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज आपको एक बहुत ही सीधा साधा विधान, लेकिन उसमें दो पुष्प लगेंगे जो कि थोड़े रेयर हैं। एक है कमल का और एक है चमेली का। इन दोनों का प्रबंध करना होगा। ये मंत्र कर्ण जो महाभारत में थे, दानवीर कर्ण, उनके द्वारा मतलब सिद्ध किया हुआ मंत्र है। और ये मंत्र को करने से धन का आगमन हमेशा धन के गमन से ज़्यादा होता है। और यही भैरव सिद्धि के कारण कर्ण दानवीर थे, परंतु कभी भी उनका धन या वैभव कम नहीं होता था। इसको 9 दिन में आप सिद्ध कर सकते हैं, 11 दिन में सिद्ध कर सकते हैं। 9 दिन अगर नवरात्र है, ठीक है, और 11 दिन अगर किसी और अमावस्या से आप इसको शुरू करते हैं, तो इसको 11 दिन में सिद्ध करते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए? एक दक्षिणवर्ती काल भैरव की आपके पास तस्वीर होनी चाहिए, या फिर आपके मस्तिष्क में एक दक्षिण मुखी काल भैरव होने चाहिए। जैसे रांची वाले भैरव बाबा, वो दक्षिण मुखी है। उनके सामने अगर तस्वीर है तो तस्वीर, अगर आपको इतना ध्यान हो सकता है कि सामने बाबा विराज रहे हैं, तो आप कुछ नहीं रखें, वहाँ पर एक चौमुखी दिया रखें जिसमें चमेली तिल और सरसों का तेल मिलाएं, और एक गूगल का धूप रखें, साथ में चना या फिर दही बड़े या फिर जलेबियाँ, मतलब तो कुछ भी बाबा के पसंद का भोग वहाँ पर रख दें, ठीक है। और उसके बाद मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप का विधान ये है कि इसका 11,000 जाप होता है, ठीक है, और हर 100 जाप के बाद या फिर एक माला के जाप के बाद एक चमेली का तेल चढ़ाया, चमेली का फूल चढ़ाया जाता है। और जब आप 1,000 जाप करते हैं तो 1,000 जाप के बाद एक कमल का फूल चढ़ाया जाता है। तो टोटल 11 कमल के फूल और गिन के 110 चमेली के फूल आपको चाहिए होंगे, इतना आपको बाबा को चढ़ाना होगा, ठीक है। ये क्रिया आप रोज़ करेंगे, रोज़ इतना आपको चाहिए होगा। और जब दशांश हवन करेंगे तो दशांश हवन जो होगा, पहले आप अग्नि को जागृत कर लेंगे गूगल देके, ठीक है। वो हवन का जो सुगंध है वो गूगल का होना चाहिए, और उसके बाद आप दशांश हवन करेंगे चमेली के फूल से, ठीक है। चमेली का फूल अगर ना जले तो उसको चमेली के तेल में भिगो करके आप हवन करेंगे, ठीक है। अब आपको मंत्र बता रहा हूँ, 3 बार बोलूँगा, इस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम भ्रम 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 क्रीम भ्रम 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 फट। ओम भ्रम 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 क्रीम भ्रम 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 फट। ये दक्षिण मूर्ति ही भैरव का ध्यान करके आप इस मंत्र को कर सकते हैं, क्योंकि ये दक्षिण मूर्ति का बीज मंत्र है। मैंने आपको पहले भी भैरव काल भैरव का बीज मंत्र बताया, तो ये वही बीज मंत्र 6 बार है, शक्ति बीज है और मंत्र खोलने का विधान है। तो ओम भ्रम 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 क्रीम भ्रम 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 फट। इस मंत्र का जाप करेंगे, दी हुई संख्या में करेंगे, और उसके बाद अंतोगत्वा आप बाबा को उतना पुष्प चढ़ा देंगे। सुबह उस पुष्प का विसर्जन करने से पहले बाबा को 7 बेलपत्र चढ़ाएंगे, इसी मंत्र को बोल के बेलपत्र स्थान पर रखेंगे, तब वहाँ से पुष्प हटाएंगे। ये रोज आपको करना है, बिना बेलपत्र चढ़ाए पुष्प नहीं हटाएंगे। और जब 9 दिन अगर नवरात्र में कर रहे हो और 11 दिन आम दिन में कर रहे हो, तो 11वें दिन या 9वें दिन की रात्रि में आप इसका हवन कर लेना। आज के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में आपको मिल जाएगा। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। डायरेक्ट कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ CM फॉर सर्च करिए तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। ऐसी भैरव बाबा से मेरी प्रार्थना है, आप सभी को आदेश आदेश।